मॉर्निंग हाई चिल्ड्रेंड्स, हाउ आर यू? आई होप ऑल यू आर गुड एंड हेल्थी। सो हम हमारी लास्ट क्लास में क्वेश्चन एंड आंसर्स लिखे थे, अभी हम इसका बाद के जो सेक्शन से उसका कंटिन्यूएशन करेंगे। तो हम हमारी लास्ट क्लास में क्या पढ़े थे? क्वेश्चन एंड आंसर्स। क्या कौन से लेसन के थे वो? सेकेंड लेसन, लेसन नेम मोहब्बत। फर्स्ट वन का क्या था? हम सब को किसने पैदा किया? हम सबको अल्लाह ताला ने पैदा किया। इस दुनिया की तमाम चीज़ों का खालिक कौन था? अल्लाह ताला है। इस दुनिया के तमाम चीज़ों का खालिक अल्लाह ताला है। हम सबसे ज़्यादा मोहब्बत किसे करनी चाहिए? हमें सबसे ज़्यादा मोहब्बत अल्लाह ताला से करनी चाहिए। फिर नेक्स्ट हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से करनी चाहिए थी। उसके बाद हमारे वालिदैन से करनी थी। अल्लाह का शुक्र अदा करने का सबसे अच्छा तरीक़ा कौन सा है? अल्लाह का शुक्र अदा करने से सबसे अच्छा तरीक़ा इबादत है। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद हमें सबसे ज़्यादा मोहब्बत किसे करनी चाहिए थी? हमारे वालिदैन से करनी चाहिए थी। तो हमारे नबी ने बड़ों और छोटों को किस तरह के सुलूक के बारे में फरमाया था? हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बड़ों की इज्जत और करनी और छोटों से शफ़क़त यानी मोहब्बत से पेश आने के लिए कहा गया था। अब हम लिखेंगे दर्जे से अल्फाज की जमा लिखिए, यानी प्लूरल। एक से प्लूरल कहाँ पर यूज़ होता? एक से बढ़कर है तो वहाँ पर जमा यूज़ होता। मतलब अगर बड़े एक से ज़्यादा चीज़ जहाँ पर रही वहाँ पर जमा यूज़ होता। अगर ज़्यादा से कम वाला लिखना है तो हमको क्या यूज़ होता? वाहिद यूज़ होता। तो हम क्या करेंगे अब यहाँ पर, ये वाला सेक्शन पढ़ेंगे, दर्जे ज़ेल अल्फाज की जमा लिखिए। तो हम यहाँ पर जमा लिखेंगे अभी, ठीक है? चीज़ है यहाँ पर, एक चीज़ है। अपने को क्या लिखना चाहिए? चीम ये ज़े वाव नूने गुन्ना, चीज़ों। क्या लिखना है हमको यहाँ पे? चीज़ है तो चीज़ों लिखना। नेक्स्ट नेक्स्ट है नेमत। यहाँ पर क्या लिखना है अपने को? नेमतों। नून आइन मीम ते वाव नूने गुन्ना, नेमतों। सेकेंड वन में, ठीक है? सो नेक्स्ट है आँखों, अलीफ सॉरी नून काफ हे वाव नूने हुन्ना, आँखों, ठीक है? सो नेक्स्ट तोहफे, ते हे फे बढ़िए तोहफे। ये क्या यूज़ कर रहे हैं अपन यहाँ पर? जमा यूज़ कर रहे। सो नेक्स्ट बंदा, यहाँ पर क्या है? बंदा। तो अपने को क्या लिखना है यहाँ पर? एक है तो अपने को उसको ऐड करना है। बे नून दाल बढ़िए बंदे, बंदा बंदे, ठीक है? सो नेक्स्ट सही के आगे राइट और गलत के सामने रॉन्ग का निशान लगाए। जहाँ पर सही है वहाँ पर राइट लगाना है अपने को, जहाँ पर रॉन्ग है वहाँ पर रॉन्ग का निशान लगाना है, ठीक है? सो शुक्र अदा करने का सबसे अच्छा तरीक़ा इबादत है। राइट और रॉन्ग चिल्ड्रेन? राइट, वेरी गुड, राइट। अल्लाह ने माँ बाप को हमारे पैदा होने का ज़रिया नहीं बनाया, इट्स रॉन्ग या राइट? अल्लाह ताला ने हमारे पैदा होने का ज़रिया नहीं बनाया अपने पेरेंट्स को, ये रॉन्ग है। तो अपने को क्या करना चाहिए?
रॉन्ग। हम अल्लाह ताला हमें माँ बाप के ज़रिए से ये दुनिया बता रहे हैं, तो यहाँ पर क्या है क्वेश्चन में, ज़रिया नहीं बनाए हैं, तो हमको ज़रिया बनाए हैं माँ बाप को, तो यहाँ पर रॉन्ग हो गया। माँ बाप अपने बच्चों से बहुत मोहब्बत करते हैं, अपने पेरेंट्स अपने से बहुत मोहब्बत करते हैं ना, सो यहाँ पर राइट, थर्ड वन में राइट, ठीक है। सो नेक्स्ट वन, हम पर माँ बाप के एहसान नहीं हैं, हमारे पर माँ बाप के एहसान नहीं हैं, ये भी रॉन्ग है। हमारे पेरेंट्स के हमारे पर बहुत सारे एहसान हैं, ये रॉन्ग, ठीक है। फर्स्ट वाले में राइट, सेकेंड वाले में रॉन्ग, थर्ड वाले में राइट, फोर्थ वाले में रॉन्ग। कोई खाने पीने की चीज़ लाओ तो इसे सबके साथ बांट कर खाओ, यानी जो भी अपने पेरेंट्स लेकर आते या फादर लेकर आते ना, उसको क्या कहना चाहिए, बांट कर खाओ, यानी बांट कर नहीं खाएंगे हम, खाते ना वैसे ही, बांट कर खाना चाहिए, तो राइट, ठीक है। सो नेक्स्ट, खाली जगह भरिए, यानी फिल इन द ब्लैंक्स, अपने को यहाँ पर कंप्लीट करना है। नेक्स्ट सेक्शन फोर्थ, ये सब नेमतें डैश ने हमारे लिए पैदा की है, किसने पैदा की है बोलिए, अल्लाह ताला ने है पैदा, अल्लाह अलीफ लाम लाम है, अल्लाह ते आइन अलीफ लाम छोट ताला, अल्लाह ताला ने पैदा किया, ठीक है। सो नेक्स्ट वन, हम ये भी क्लियर कर लेंगे पूरा, इनके अनमोल होने का यही डैच से बड़ा सबूत है, इनके अनमोल होने का यही क्या ना है डैश में, सब सीन बे, सब सबसे बड़ा सबूत है ये, कहाँ पर लिखना है अपने को, सेकेंड वाले फिल इन द ब्लैंक्स में, सेकेंड वाले यहाँ पर है ना, सब सीन बे सब, ठीक है। सो नेक्स्ट वन, तमाम नबियों का सरदार डैश का शरफ आपको हासिल हुआ, तो वहाँ पर क्या लिखना है अपने को, तमाम नबियों के सरदार कहाँ पर लिखना है, यहाँ पर क्या लिखना है मेरे को, होने हे वो नून बढ़िए, होने का आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शरफ हासिल हुआ, तमाम नबियों के सरदार, यानी हमारे नबी है ना, बहुत सारे नबी है अपने पास, वो सरदार है हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सब नबियों के सरदार होने का आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शरफ मिला था, मिला। सो नेक्स्ट, वही हमारी डैश करते हैं, वही हमारी ज़रूरतें पूरी करते हैं, तो हमें क्या लिखना है वहाँ पर, परवरिश, वही हमारी परवरिश करते हैं और वही हमारी ज़रूरतें पूरी करते हैं, कौन करते हैं, अपने पेरेंट्स, पेरे वौरे शीन परवरिश, यहाँ पर क्या लिखना है फोर्थ वाले में, परवरिश, ठीक है। फर्स्ट वाले में क्या लिखना है, यहाँ पर फर्स्ट वाले में क्या है बच्चों, फर्स्ट वाले में अल्लाह ताला, सेकेंड वाले में सब, थर्ड वाले में होने, फोर्थ वाले में परवरिश, ठीक है। सो नाउ इट्स टाइम फॉर होमवर्क, आज का हमारा होमवर्क है क्वेश्चन आंसर्स, टू आंसर्स इज है ना, हम सबको किसने पैदा किया, आज का हमारा होमवर्क है ये क्वेश्चन आंसर्स, हम सबको अल्लाह ताला ने पैदा किया, इस दुनिया के तमाम चीज़ों का खालिक कौन है, इस दुनिया के तमाम चीज़ों का खालिक अल्लाह ताला है, ये आप लोगों की नोटबुक में 3 times लिखिए, राइट नीटली एंड प्रॉपरली, ओके स्टूडेंट, सो कीप लर्निंग, स्टे एट होम, अल्लाह हाफिज़।